हेलो साथियों, हम लोग हाइड्रोकार्बन का ये चैप्टर देख रहे हैं जिसमें जनरल जनरल बातें यानी जितने इसे संबंधित हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं ये, और साथ में इसके स्रोत क्या हैं, क्लासिफिकेशन, ये सब इसके पहले एक वीडियो में हम लोगों ने समझा है सब कुछ, सारी बातें क्या है, कैसे है। एल्केन क्या है, एल्केन को पैराफीन कहते हैं, इसका जनरल फार्मूला, इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, ये सारी बातें और प्रिपरेशन भी देख लिए हैं। ये वुड्स रिएक्शन ग्रिगनार्ड रिएजेंट द्वारा कैसे बनाते हैं, फ्रैंकलैंड रिएक्शन में जिंक का यूज करके हम लोग किस तरीके से एल्केन का प्रिपरेशन करते हैं, और साथ ही साथ अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का अपचयन द्वारा भी ये, और साथ में कार्बोक्जिलिक एसिड द्वारा इसका प्रिपरेशन, ये सब कुछ देख चुके हैं। तो आज से हम लोगों को यहाँ से देखना है फिजिकल प्रॉपर्टी। आप ज़रा देखें, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज से यहीं से आज देखना है। ठीक, फिजिकल प्रॉपर्टी में भौतिक गुण जिसे कहते हैं, इसके बाद केमिकल प्रॉपर्टी देखेंगे एक एक करके, ज़रा समझें। देखिए देखिए, प्रकृति कैसी होती है इसकी, एल्केन की प्रकृति कैसी होती है, मतलब अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, एक ध्रुवीय होता है कि अध्रुवीय होता है, ये सारी बातें देखें। नेचर, प्रकृति इसकी देखना है। ध्यान दीजिए, ये जो एल्केन होता है, एल्केन नॉन पोलर होता है, नॉन पोलर मतलब अध्रुवीय, इसमें पॉजिटिव निगेटिव नहीं बनता। क्यों? तो ड्यू टू कोवैलेंट नेचर, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें सहसंयोजी बंध होते हैं कार्बन कार्बन के मध्य में, और इसके अलावा कार्बन हाइड्रोजन के मध्य भी सहसंयोजी बंध ही होता है। तो कार्बन कार्बन बंध की जो ऊर्जा होती है, मतलब कार्बन 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 सिंगल बॉन्ड कार्बन, इसको अगर तोड़ना हुआ तो हमें कितनी ऊर्जा देनी पड़ेगी, तो 83 किलो जूल पर मोल, 83 किलो जूल पर मोल हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। एक मोल अगर हम लिए हैं एल्केन, कार्बन कार्बन बंध तोड़ रहे हैं, तो 83 किलो जूल पर मोल हमें ऊर्जा देनी पड़ेगी, और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए 99 किलो जूल पर मोल, देखें 99 किलो जूल पर मोल हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। एक बात ये जानना है, कार्बन एक से लेकर के कार्बन चार तक, मतलब मेथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन तक, ये गैस हैं। क्या हैं ये गैसेस हैं। ठीक, कार्बन 5 से लेकर के कार्बन 17 तक ये कलरलेस ऑर्डरलेस लिक्विड हैं, ना तो इनका रंग होता है, देखें कलरलेस रंगहीन ऑर्डरलेस, यानी कि इनका ना तो कोई गंध होता है, और ये लिक्विड होते हैं। कैसे होते हैं? द्रवीय होते हैं। तो ये थोड़ा सा याद रखना है, कलरलेस और ऑर्डरलेस और लिक्विड होते हैं, लेकिन कार्बन 17 से अधिक है, कार्बन 17 से अधिक जितने भी हैं, जैसे कार्बन 18, 19, 20 उसके ऊपर जितने हैं वो सॉलिड होते हैं। सॉलिड सॉलिड यानी ठोस होंगे, वो भी कैसे, वैक्स लाइक, मोम जैसे वैक्स लाइक होते हैं। ठीक है, वैक्स लाइक होते हैं। तो ये बातें थोड़ा सा जानते रहिए। और दूसरी बात ज़रा देखें, ध्यान दें क्या है, सॉल्युबिलिटी, विलेयता, ये किस में घुल जाएगा, तो ये एक रूल आप थोड़ा सा समझे रहिए, लाइक डिजॉल्व लाइक, मतलब समान समान में ही घुलता है। अगर हम लोग जान रहे हैं कि यह कैसा है, नॉन पोलर है, ये नॉन पोलर है, क्यों है नॉन पोलर, तो आप कहेंगे ड्यू टू कोवैलेंट नेचर, सहसंयोजी बंध होता है, इलेक्ट्रॉनिक साजिश बंध बनता है। तो लाइक डिजॉल्व लाइक कहने का मतलब अध्रुवीय अध्रुवीय में घुलेगा, अगर इसको जल में घोलना चाहें तो जल में नहीं घुलेगा, लेकिन क्योंकि जल क्या है, ध्रुवीय है भाई, जल में H+ और OH- ये ध्रुवीय है, तो जल में तो ये नहीं घुलेगा, लेकिन जैसे बेंजीन हुआ C6H6, बेंजीन हुआ, टालुइन हुआ C6H5, ओ टालुइन आपका CH3 जोड़ दीजिए, टालुइन हुआ, अभी इसी CH3 के स्थान पर अगर आप जोड़ देते हैं OH ग्रुप तो फिनाल हो जाएगा, फिनाल हुआ, बेंजीन टालुइन फिनाल ईथर, जैसे ये डाई मेथिल ईथर देख लीजिए, CH3
OCS3 ईथर, इन सब में डिजॉल्व हो जाएगा, घुल जाएगा। ठीक, ये बात थोड़ा याद रखें। देखिए यहाँ दिया है पोलर कंपाउंड्स डिजॉल्व इन पोलर, पोलर पोलर में घुलता है ना, पोलर डिजॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट, यानी पोलर ध्रुवीय जो होगा ध्रुवीय विलायक में घुलेगा। एंड और नॉन पोलर कंपाउंड डिजॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, अध्रुवीय अध्रुवीय में। अभी बताया ना वही कि एल्केन जो है वो नॉन पोलर है, इसलिए नॉन पोलर बेंजीन टॉलुइन फिनाइल ईथर बेंजीन इन सब में घुलेगा। बॉइलिंग पॉइंट जरा देखें, लो बॉइलिंग पॉइंट होता है इनका, बॉइलिंग पॉइंट कम होता है ड्यू टू नॉन पोलर अध्रुवीय प्रकृति होने के कारण इनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। लेकिन एक बात ये, जैसे अगर कभी पूछा जाए कि जैसे अणुभार अगर ज़्यादा है, ध्यान देना अणुभार अधिक है, जैसे अभी आपको ये दिया जाए CH4 और C2H6 दिया जाए, तो अणुभार इसका और इसका चेक करें, एक कार्बन का 12 परमाणु द्रव्यमान होगा तो 12 और एक हाइड्रोजन का एक, वास्तव में 1.008 होता लेकिन एक ही नियरेस्ट मान के चलें तो एक हाइड्रोजन का एक, तो 4 हाइड्रोजन का 4 और 12 इसका, तो 12×4=16। ऐसे इसमें देखें 2 कार्बन है तो 12×2=24, 24×6=30। ज़्यादा परमाणु, अगर ज़्यादा परमाणु द्रव्यमान होगा तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो ज़्यादा होगा, ध्यान देना है। ठीक, और एक बात जानते रहिए, जैसे कभी ऐसा भी हो सकता है कि C4 4 2 8 2 10 ऐसे है। अब इसकी संरचनाएं तो आप जानते हैं, एक स्ट्रेट चेन बन सकती है और एक साखित बन सकती है, जैसे कार्बन 1 2 3 4। अब यहाँ हाइड्रोजन सब लगा दीजिए, हाइड्रोजन लगा लेंगे तो इसका अगर पूछा जाए और इसी से एकदम बना हुआ 4 कार्बन का, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, इस बार ये यहाँ कार्बन जोड़ दीजिए, तो देखें इधर जोड़ लेंगे हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन जोड़ लेंगे यहाँ, तो एकदम सिमिलर यही आएगा अणुभार, ये आणविक सूत्र यही आएगा। अब इसमें साखित वाले का ध्यान दें, अगर इसको ए माने और इसको बी माने, है ना, पूछा जाए किसका मेल्टिंग किसका बॉइलिंग पॉइंट अधिक होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट ध्यान दीजिए, साखित जैसे जैसे ब्रांचिंग होती जाती है वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है उसका कम होता जाता है, तो ए का ज़्यादा होगा, ए का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा किससे, बी से। ये बात भी थोड़ा सा जानते रहिए। आगे देखिए, दी मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड टूगेदर ओनली बाई वीक वांडरवाल फोर्स के द्वारा ही ये जुड़े होते हैं, तो वीक वांडरवाल फोर्स जो है उतना स्ट्रांग फोर्स होता नहीं, इसलिए इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम होता है। सिंस वी नो दैट दी मैग्नीट्यूड ऑफ वांडरवाल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी मॉलिक्यूलर साइज, इसलिए मॉलिक्यूलर साइज पर डिपेंड करेगा, देयरफॉर दी बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज विथ इंक्रीज दी मॉलिक्यूलर साइज, यानी कि इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम, कार्बन एटम बढ़ेगा तो ज़्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट, अभी बताए थे। और ये एक नोटेड पॉइंट ये था कि बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ द ब्रांच्ड चेन एल्केन्स आर लेस, अभी वही बता रहे थे, देन दी स्ट्रेट चेन आइसोमर, स्ट्रेट चेन से कम होता है किसका, ब्रांच्ड चेन का, जस्ट अभी एग्जाम्पल लिए थे। और यहाँ भी आप देख सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल लिया गया है, एक नॉर्मल पेंटेन लिया गया है, एक आइसो पेंटेन लिया गया है और एक नियो पेंटेन लिया गया है। जब एक ही कार्बन से, ध्यान दें 4 कार्बन जुड़े रहें तब नियो, जब एक ही कार्बन से 3 कार्बन डायरेक्ट जुड़े रहें तब आपका आइसो। तो अब इसमें सबसे ज़्यादा किसका बॉइलिंग पॉइंट होगा, ध्यान दें स्ट्रेट चेन वाले का ज़्यादा होगा, चेक करिए, देखिए 309 केल्विन दिया, इसका 301 केल्विन दिया और इसका 282.5 केल्विन, तो सबसे ज़्यादा किसका होगा, स्ट्रेट वाले का। फिर ब्रांचिंग इसमें हुई लेकिन इसमें कुछ ज़्यादा हो गई, तो ज़्यादा वाले से ये ज़्यादा ब्रांचिंग तो कम हो जाएगा उसका बॉइलिंग पॉइंट, ध्यान दें, इसलिए ये आर्डर होगा, इसको थोड़ा सा समझे रहिए। देखिए यही था इसमें इसका क्या, ये फिजिकल प्रॉपर्टी भौतिक गुण। अब देखते हैं रासायनिक गुण, ज़रा ध्यान दें, इम्पॉर्टेंट है ये। देखें केमिकल प्रॉपर्टी, ज़रा देखिए केमिकल प्रॉपर्टी में आप फर्स्ट पॉइंट चेक करिए, देखिए पहला कम्बसन, याद रखें मेथेन हो चाहे एथेन हो
कोई भी एल्केन हो, अगर ऑक्सीजन संसार में कोई भी वस्तु जलती है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, जान रहे हैं उसका कम्बसन होता है, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसका दहन करवाएंगे तो CO2 गैस और H2O गैस ये बनेगी। लेकिन ये पूर्ण दहन है, ध्यान दें, अभी अगर यहाँ इनकम्प्लीट कम्बसन हो यानी कि अपूर्ण दहन हो तब क्या होगा, तब इसी मीथेन का अगर दहन करवाएंगे ना, दहन करवाएंगे तब यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा, कार्बन ऑक्सीजन से क्रिय कर कार्बन मोनोऑक्साइड CO और हाइड्रोजन ऑक्सीजन से ये तो जल यानी वाइपर वाटर वाइपर बना के निकल जाएगा। तो अब इसे आप बैलेंस करेंगे तो ये 2 करना पड़ेगा टोटल, क्योंकि बैलेंस नहीं होगा, नहीं तो 2 करेंगे तो यहाँ 4 2 8 हो गया हाइड्रोजन, तो यहाँ 4 लगा देंगे, अब 4 ऑक्सीजन यहाँ 2 यहाँ 4 2 6 तो यहाँ 3 2 6 कर लेंगे। तो देखिए जब अपूर्ण दहन होता है तब कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा, जब पूर्ण दहन होगा तब कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, इसे याद रखे रहना है। ऑक्सीडेशन देखते हैं, ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण। अब ऑक्सीकरण में कैटलिस्ट कुछ होते हैं, अलग अलग स्पेसिफिक होते हैं, जैसे ये कार्बन देखें एल्केन के साथ ऑक्सीजन की क्रिया करवाएंगे ये उत्प्रेरक की उपस्थिति में, वो भी कॉपर की उपस्थिति में मेथिल एल्कोहल बनेगा, और अगर मॉलिब्डेनम ऑक्साइड की उपस्थिति में क्रिया करवाते हैं तब ये मेथेनल बनेगा, मतलब फॉर्मेल्डिहाइड, मेथेनल ऊपर वाला मेथेनॉल है और नीचे वाला ये जो HCHO है ये मेथेनल है, तो ध्यान देना है इस तरीके से रिएक्शन होता है इसमें, इसको याद रखे रहिए। यहाँ जब मॉलिब्डेनम ऑक्साइड के साथ क्रिया करवाएंगे तब एल्डिहाइड यानी फॉर्मेल्डिहाइड बना, और जब कॉपर के साथ 300 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे ऑक्सीजन के साथ एल्केन को तब वहाँ एल्कोहल यानी मेथेनॉल बनेगा। ठीक, नेक्स्ट देखें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नेक्स्ट पॉइंट देखिए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन में क्या होगा, जैसे हैलोजिनेशन अगर करवाते हैं तो ये फ्री रेडिकल रिएक्शन होता है ना, देखें, और ये एक्सेस अमाउंट में ले लेंगे क्लोरीन, एल्केन के साथ क्लोरीन क्रिया, देखिए यूवी मतलब यहाँ सनलाइट के प्रेजेंस में क्रिया हुई है, और ये रिएक्शन ध्यान रखना है ये फ्री रेडिकल रिएक्शन होता है, मुक्त मूलक फ्री रेडिकल रिएक्शन होता है, इसे याद रखे रहिए। तो ये तब तक होती रहती है अभिक्रिया जब तक पूरे एच यहाँ से ना निकल जाए, है ना, देखें फर्स्ट स्टेप में ये बना CH3Cl, HCl निकला, फिर सेकंड स्टेप में CH3Cl के साथ फिर से यही क्लोरीन क्रिया करवाई जाती है, तो देखें HCl निकल जाएगा और एक H और गया, एक Cl से क्रिया करके HCl बाहर निकला, CH2Cl बना, फिर सनलाइट के प्रेजेंस में वही क्लोरीन के साथ क्रिया कर CHCl3 बना, ये क्लोरोफॉर्म है, ध्यान देना CHCl3 अगर पूछा जाए क्या है तब आप बताएंगे क्लोरोफॉर्म है, क्या है क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म का सूत्र पूछा जाता है, और ये ध्यान दें ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडेशन हो जाता है और ये बना लेता है क्या COCl2, इसी को कहते हैं फॉस्जीन गैस, पॉइजनस गैस होती है, इसलिए देखते हैं कभी भी क्लोरोफॉर्म का जो बॉटल होगा उसको फुल करके और रंगीन बोतल में जिससे सूर्य प्रकाश भी अंदर न जाए तो उसमें भर के रखते हैं, और लास्ट में देखिए पूरा यच, एक यच और बचा वो भी निकल जाएगा, और लास्ट में आपका CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड बन गया। आप डायरेक्ट ऐसे भी दिखा सकते थे इस रिएक्शन को, CH4+Cl2 एरो, यहाँ यूवी लिखो चाहे HNO लिखिए चाहे डायरेक्ट सनलाइट लिख दो, एक ही मतलब है, तो यहाँ CCl4 बन जाएगा और साथ में HCl बन जाएगा, कितने H हैं 4, तो 4 HCl बनेगा, 4 Cl यहाँ 4 Cl यहाँ 4 4 8, तो 4 2 8 4Cl2 लिख दें, एक ही बार में ऐसे आप लिख सकते हैं रिएक्शन को। ठीक, तो जानते रहिए, और देखिए इसमें नोटेड पॉइंट ये है कि आयोडीनेशन जब आयोडीन के साथ क्रिया करते हैं तो रिवर्स होने लगता है, इज ए रिवर्सिबल रिएक्शन, ये मतलब रिवर्सिबल मतलब उल्टा भी होने लगता है। ठीक है, ये बातें थोड़ा सा समझे रहिए। सो इट इज कैरीड आउट बाई
हीटिंग एल्केन इन द प्रेजेंस ऑफ सम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक आयोडिक एसिड, इसलिए आयोडिक एसिड की उपस्थिति में क्रिया करवाते हैं, या फिर नाइट्रिक एसिड या फिर मर्क्यूरी की ऑक्साइड ले लेते हैं जिससे वो एक ही दिशा में हो अब क्रिया। और देखिए विच ऑक्सीडाइजेज एच आई फॉर्म्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन, ये जो अब क्रिया के दौरान एच आई बनता है यही है जो इसको पुनः रिवर्स करता है। लेकिन जब हम एच आई ओ थ्री का यूज करेंगे, एच एन ओ थ्री का यूज करेंगे, एच जी ओ भी यहाँ ले लेंगे, तब ये रिएक्शन केवल एक ही डायरेक्शन में होगा, ठीक इधर ही। तो इसीलिए आयोडिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और ये मर्क्यूरिक ऑक्साइड का यूज भी किया जाता है जिससे एक ही दिशा में हो। तो देखें यहाँ मेथेन के साथ आयोडीन क्रिया करवाएंगे तो ये मेथिल आयोडाइड और एच आई बना, ऐसे एच आई ओ थ्री से क्रिया करके एच टू ओ और आई टू बनाता है, और यहाँ देखें एच आई एच एन ओ थ्री से क्रिया करके एच टू ओ आई टू और एन ओ टू गैस। ये एन ओ टू गैस का कलर याद रखे रहिए, ब्राउन कलर की होती है ये गैस, कैसी ब्राउन कलर की ये गैस होती है, ठीक। और अगर पूछा जाए जैसे ये एन टू ओ थ्री ये पूछा जाए तो इसको आप बताएंगे ब्लू कलर का होता है, ये कैसा होगा ब्लू कलर का। आइए आपको इसका वो दिखा देते हैं, इस गैस का चलिए ये आप एनसीईआरटी में देख लीजिएगा, वहाँ पर आपको मिलेगा कि इसका कलर जो होता है, ध्यान दीजिएगा एनओ टू गैस का कैसा होगा, तो ब्राउन कलर का, ये ब्राउन कलर का एनसीईआरटी में चेक करिएगा। और एन टू ओ थ्री का कलर जो है ये ब्लू कलर का होता है, ठीक ये याद रखे रहिए। थोड़ा सा आगे देखें, इसमें भी नोटेड पॉइंट ये रखना है याद कि फ्लोरिनेशन ऑफ एल्केन टेक्स प्लेस एक्सप्लोसिवली रिजल्टिंग इवन इन द रैप्चर ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड। अभी अगर आप मेथेन का क्रिया करवा देंगे फ्लोरीन से ना, तो ये क्या करेगा, ये कार्बन कार्बन बंध को, जैसे इसमें तो कार्बन कार्बन बॉन्ड है नहीं, लेकिन सी टू या सिक्स के साथ अगर क्रिया करवा दी फ्लोरीन की, तो ये क्या करेगा कार्बन कार्बन बंध को भी तोड़ देगा, और साथ ही साथ ये एक्सप्लोसिव नेचर का होता है, मतलब विस्फोटक प्रकृति का, इसलिए इसके साथ क्रिया नहीं करवाते, ठीक ये भी जानते रहिए। और ये देखिए क्या होता है, इसमें फीचर्स ऑफ हैलोजिनेशन, हैलोजिनेशन करवाते हैं तो कौन तेज़ी से क्रिया करेगा, ये रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन कौन तेज़ी के साथ क्रिया करेगा, तो याद रखे रहिए फ्लोरीन, फ्लोरीन जो है अधिक विद्युत ऋणी इसलिए फ्लोरीन तेज़ी से क्रिया करेगा, फिर क्लोरीन है, फिर ब्रोमीन करेगा और लास्ट में आयोडीन, याद रखे रहिए एल्केन के साथ रिएक्टिविटी का ऑर्डर ये है। और दूसरी बात इसमें ये याद रखना है कि द रेट ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन ऑफ एल्केन इज, हाइड्रोजन जो होगा ध्यान दें रिप्लेसमेंट टर्शियरी का तेजी से होगा, तो टर्शियरी क्या है, जैसे कोई ये कार्बन है इसी से ध्यान दें तीन कार्बन जुड़े हैं, तीन कार्बन, तब इसे आप टर्शियरी कह देते हैं, जिसे आप आइसो कह रहे थे, तो यहाँ से हाइड्रोजन तेज़ी से निकलेगा। फिर सेकेंडरी क्या होगा, सेकेंडरी होगा जैसे ये कार्बन है और इसे आप दो ही आप जोड़िए कार्बन, तो ये आपका सेकेंडरी हो जाएगा, ठीक ये सेकेंडरी, अब यहाँ एच एच जुड़े रहें तो ये सेकेंड, ये वाला सेकेंडरी है, ये टर्शियरी है, टर्शियरी तेज़ी से क्रिया देता है क्योंकि इसका जो कार्बोकैटायन है वो ज़्यादा स्टेबल फॉर्म में रहता है टर्शियरी के, आपको पता है, तो टर्शियरी ज़्यादा तेज़ी के साथ रिएक्शन करेगा, इसके बाद सेकेंडरी देन प्राइमरी। अब यहाँ देखें एक रिएक्शन दिखाया गया, नॉर्मल ब्यूटेन के साथ क्लोरीन की क्रिया करवाई गई, तो क्लोरीन क्या कर रहा है, क्लोरीन तो के साथ क्रिया करवाए तो यहाँ देखें एक ये तो जो बना ये प्राइमरी बना और ये जो बना ये सेकेंडरी, तो ये वाला जो प्रोडक्ट है वो ध्यान दें ज़्यादा स्टेबल होगा, क्यों क्यों, क्योंकि अब बताएंगे सेकेंडरी जो है वो प्राइमरी से ज़्यादा स्टेबल होता है, यही रीजन है। आइसोब्यूटेन के साथ आप क्लोरीनेशन करवाए सनलाइट के प्रेजेंस में, तो देखिए यहाँ प्राइमरी प्राइमरी, थोड़ा सा इसे जूम करते हैं आप देखें, देखिए
इसमें आपको यहाँ प्राइमरी कार्बन है, ये प्राइमरी कार्बन है, ये देखिए टर्शियरी। क्यों टर्शियरी? क्योंकि इससे इधर कार्बन जुड़ा, इधर जुड़ा, इधर जुड़ा, तीन कार्बन, तो टर्शियरी पर रिएक्शन होगा। ध्यान दें यहाँ टर्शियरी पर, देखिए ये रिएक्शन हुआ। और इसके बाद और भी रिएक्शन यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी हो सकता है, बट यहाँ ज़रा देखिए, ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर रिएक्शन प्राइमरी में हुआ, लेकिन यहाँ 64% ये बन रहा है, ये 36% बन रहा है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि यहाँ देखिए कितने प्राइमरी हैं, 1, 2, 3, तीन है, तीन है, तो तीन जगह रिएक्शन हो सकता है, यहाँ केवल एक ही जगह रिएक्शन हो सकता है। तो तीन जगह, ध्यान दें, यहाँ पर होने की वजह से ये इस तरीके का रिएक्शन अगर देगा तो यहाँ ज़्यादा प्रोडक्ट ये वाला बनेगा, ठीक है, प्राइमरी वाला बनेगा। बनेगा दोनों, लेकिन मिश्रण में इसकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी, ठीक। तो इसे याद रखें। और ये जो मैकेनिज्म है, क्रियाविधि, क्रियाविधि याद रखना है। इसमें क्रियाविधि में आपको केवल इतना याद रखना है कि ये फ्री रेडिकल रिएक्शन होता है अगर सनलाइट में जो होगा, ठीक। और साथ ही साथ है इसमें तीन स्टेप आपको देखने को मिलते हैं, चेन इनिशिएशन, चेन यानी श्रृंखला का प्रारंभन, शुरुआत कैसे होती है, पहले फ्री रेडिकल बनेगा, फिर चेन प्रोपेगेशन यानी चेन बढ़ती रहेगी, ऐसे चेन बनती रहेगी, देखिए फ्री रेडिकल है फिर बनती रहेगी, फिर चेन टर्मिनेशन, फिर चेन को रोकने के लिए क्या होता है, यहाँ इसे याद रखे रहिए, इम्पोर्टेंट है। तो जैसे कभी ऐसे रिएक्शन दे देगा ना और पूछेगा ये क्या है, चेन प्रोपेगेशन है कि इनिशिएशन है कि टर्मिनेशन है, तो देखिए आपको ये चेक करना है। जैसे यहाँ पर मुक्त मूलक बना, ये मुक्त मूलक बना, और मुक्त मूलक देखिए ये पुनः क्लोरीन से फिर ये बन गया, फिर ये दोनों आपस में क्रिया करेंगे जब टर्मिनेट करना हो। टर्मिनेशन में याद रखिए कि प्रोडक्ट के साइड कोई मुक्त मूलक नहीं रहेगा, ठीक है, वो सब जुड़ जाएंगे, तो ये थोड़ा सा याद रखे रहिए। नाइट्रेशन में नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया करवाना होता है, देखिए इसके साथ नाइट्रिक एसिड क्रिया करवाएंगे। और नाइट्रिक एसिड में स्ट्रक्चर केवल यही इम्पोर्टेंट है, स्ट्रक्चर जानते रहेंगे तो रिएक्शन आसानी से कर लेंगे, ठीक ये है। अब यहाँ से ब्रेकिंग होती है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में कौन ज़्यादा विद्युत ऋणी, तो याद किए रहिए एक ट्रिक है, फोन, फ्लोरीन सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणी, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, इसके बाद और सबका क्रम आएगा। तो O और N में चेक करना है कौन ज़्यादा है, तो विद्युत ऋणी ऑक्सीजन पर निगेटिव आ जाएगा और नाइट्रोजन पर पॉजिटिव। और यहाँ से ज़रा देखिए, यहाँ से जब हाइड्रोजन जाएगा, जैसे यहाँ है कार्बन और हाइड्रोजन, जब ब्रेक करेंगे तो कार्बन पर ऋण आ जाएगा और इस पर धन आ जाएगा, हाइड्रोजन पर विद्युत ऋणी ज़्यादा कौन है, कार्बन, तो इसके माइनस से इसका प्लस जुड़ेगा, मतलब NO2 ग्रुप देखिए यहाँ पर जुड़ा मिलेगा, ध्यान से देखें NO2 ग्रुप जुड़ा, तो ये आपका नाइट्रो प्रोपेन हो गया। और यहाँ देखिए ये सेकेंडरी वाला है, सेकेंडरी मतलब दूसरे मिडिल वाले कार्बन से जुड़ा, इससे दो कार्बन जुड़े हैं इसलिए सेकेंडरी। और ये देखिए प्राइमरी है, ये भी कई मिश्रण मिलते हैं, तो सबसे ज़्यादा इसमें सेकेंडरी वाला स्टेबल है, इसलिए 40% बनता है। और इसके बाद देखिए ये तीन कार्बन युक्त जो हैं, और ये कार्बन कार्बन भी टूट जाता है, तो 25-25% ये प्राइमरी वाले बन जाते हैं, और ये एक कार्बन और लेस हो जाता है उसमें से, तो ये 10% बनता है, इसे भी याद रखेंगे। द रिएक्शन अकर्स एज, रिएक्शन कैसे ये होगा ये तो अभी जस्ट आपको बताई थी, इसमें तो हो गया। सल्फोनेशन में आपको सल्फोनिक एसिड यानी कि यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड से क्रिया करवाते हैं, बट देखिए जैसे ओलियम आपको यहाँ मिलेगा, एक ओलियम, ध्यान दीजिए ओलियम का फार्मूला है H2S2O7। इसका स्ट्रक्चर अगर चेक करना चाहेंगे तो देखिए इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, सल्फर से ऑक्सीजन, अगेन सल्फर, और फिर डबल बॉन्डेड ओ, और फिर देखिए कितने हैं, एक बीच में जोड़ देंगे और इसके बाद तीन तीन आप इधर जोड़ देंगे, ठीक है, हाइड्रोजन दो है, यहाँ से ओ से जुड़ेगा एच, और यहाँ डबल बॉन्डेड ओ, और फिर यहाँ डबल बॉन्डेड ओ, डबल बॉन्डेड ओ, और यहाँ सिंगल बॉन्डेड ओ से एच। तो देखिए एक एच यहाँ, दो एच है,
दो सल्फर, एक सल्फर यहाँ, एक सल्फर यहाँ, ये भी है। सात ऑक्सीजन, तो एक ऑक्सीजन यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा बीच में, फिर यहाँ पांचवा, ये रहा छठवां OH के पास, ये सातवां। तो ये स्ट्रक्चर होता है और इस तरीके से ब्रेकिंग होती है। SO3H यहाँ से तोड़ देते हैं, सल्फर पर पॉजिटिव आ जाता है और यहाँ नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव वाला पार्ट यही कार्बन से जुड़ेगा, SO3H। तो आप देख सकते हैं यहाँ SO3H यहाँ जुड़ा है। और इस तरीके से ये टर्शियरी ब्यूटिल सल्फोनिक एसिड बन जाता है, क्योंकि इस कार्बन से, जिस कार्बन से जुड़ा उससे तीन कार्बन जुड़े हैं, इसलिए टर्शियरी, ठीक। और यहाँ पर आइसोब्यूटेन लिए ही थे। तो इस तरीके से रिएक्शन होता है, जानते रहिए। और यहाँ देखें रिएक्शन अकर्स, इसमें भी ये वही बातें अभी जस्ट बताए। नॉर्मल पेंटेन के साथ अगर, इसमें देखिए रीअरेंजमेंट रिएक्शन है, ये रीअरेंज हो जाता है। नॉर्मल पेंटेन लेंगे, एल्युमिनियम क्लोराइड और या सील सक्रिय करवाएंगे, तो जो चेन, सीधी चेन है, ऐसे सीधी चेन है, CH3, CH2, 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 CH3, देखिए CH3 पांच कार्बन हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, ये यही है। इसी को देखें बीच में CH2 को तीन बार लिखा गया, तो यहाँ से देखिए तीन बार है ना CH2, इसलिए एक ही साथ लिख दिया गया। और यही चेन इसकी चेंज हो जाती है, साखित हो जाता है। तो इसमें क्या हुआ है, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, ऐसे। और यहाँ जोड़ दीजिए, चाहे यहाँ, वो सेकेंडरी ही होगा, यहीं जोड़ लो CH3। तो याद रखे रहिए, और सब हाइड्रोजन ऐसे इस तरीके से अटैच होते हैं। तो ये आपका देखें जो ब्रांचिंग में चेंज हो जाता है, ये स्टेबल फॉर्म है, ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक। और एरोमेटाइजेशन ज़रा देखिए, एरोमेटाइजेशन में क्या है, एरोमेटाइजेशन में जैसे आपने एरोमेटिक बन जाएगा, हेक्सेन के साथ, नॉर्मल हेक्सेन आपके पास है, और यहाँ Cr2O3 के साथ अगर आप 10 से 20 वायुमंडली दाब के, दाब लेकर 500 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं, 773, मतलब 500 में 273 जोड़े, 773 हो जाएगा, केल्विन में चेंज हो जाएगा। इसके साथ क्रिया करवाते हैं तो बेंजीन मिलेगा, देखिए एरोमेटिक हो गया, वही एरोमेटाइजेशन, एरोमेटिकरण। तो इस तरीके से देखिए, दिस मेथड इज आल्सो कॉल्ड डिहाइड्रोजिनेशन। डिहाइड्रो मतलब डी मतलब निकलना, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन इसमें निकल जाता है, या हाइड्रो फॉर्मिंग भी इसे कह देते हैं। सिमिलरली हेप्टेन गिव्स टालुइन, हेप्टेन टालुइन बनाता है, ठीक। नॉर्मल ऑक्टेन गिव्स आर्थ्रोजाइलिन, एंड 2-methyl हेप्टेन गिव्स मेटाजाइलिन। जाइलिन क्या है जान रहे हैं, ये है जाइलिन। जैसे यहाँ CH3 जोड़ देंगे और यहाँ जोड़ देंगे अगर आप CH3, इसे आर्थ्रोजाइलिन कहेंगे। अगर ये इसी को उठा के लाइए, यहाँ जोड़ दीजिए, तो मेटाजाइलिन, ठीक। ये बातें भी जानते रहिए। और थर्मल डिकम्पोजिशन ज़रा देखें, थर्मल डिकम्पोजिशन मतलब हीट देंगे, अगर इसको हीट देंगे तब क्या होगा, ज़रा देखें। हीट देते हैं तो ये टूट जाएंगे, ये टूट जाएंगे छोटे छोटे पार्ट में, ये जानते रहिए, छोटे छोटे कार्बनों में। अब उसमें देखिए मेथेन और एथिलीन, इन सब में अगर कार्बन की चेन यहाँ देखें, इससे क्या क्या बन सकता है। तो अगर यहाँ से CH3 निकल जाए, 1H निकल जाए, तो ये बन जाएगा, या टूट जाए, 1H यहाँ से निकले, तो ये बनेगा, मतलब मिक्सचर बनते हैं, जानते रहिए। एक्शन ऑफ स्टीम, भाप के साथ अगर क्रिया करवाएं, मेथेन की स्टीम भाप के साथ 1000 डिग्री सेल्सियस पर, तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस में ये टूट जाएगा। तो इस तरीके से ये रिएक्शन यहाँ इसकी करवाते हैं। अभी देखें नॉर्मल हेक्सेन है, एनहाइड्रस AlCl3 और या Cl से क्रिया करवाएंगे, तो देखिए देख सकते हैं यहाँ ब्रांचिंग हो गई, सब है ना, ब्रांचिंग हो गई है, वही जिसे अभी कह रहे हैं कि ये क्या होता है, स्टेबल फॉर्म में चला जाता है। तो इस तरीके से इसमें देखने को मिलता है। कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म भी ये दिखाते हैं, कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म, इसको देखें, इसको हम लोग ख़त्म ही कर लेते हैं, जिससे एल्कीन फिर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ना रहे।
देखिए देख लेते हैं क्या है सिमिलर, इसमें आसान है समझें। देखिए कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म भी ये शो करता है, इसमें आपको देखने को मिलता है तीन फॉर्म मिलते हैं, एक स्टैगर्ड इक्लिप्स्ड, स्टैगर्ड इक्लिप्स्ड और एक और मिलता है आपका देखें यहाँ न्यूमान, या इसी को आप देखें ये स्क्यू, स्टैगर्ड स्क्यू और इक्लिप्स्ड, ये एक एक करके समझना आएगा, यहाँ से पहले देख लीजिए समझिए। देखिए क्या है कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म, देखिए इसमें दी डिफरेंट मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट्स अराइजिंग एज ए रिजल्ट ऑफ रोटेशन अराउंड कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड आर कॉल्ड कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स आर रोटेशनल आइसोमर्स एंड द फिनोमेनन इज कॉल्ड कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। जैसे देखिए कार्बन ये है, ये कार्बन है, अब इससे यहाँ पर ये एथेन समझिए, एथेन एथेन है ठीक, ये एथेन है, अब इसमें इसको रोटेट करते हैं, इस इधर वाला भाग जो है वो रोटेट करें, रोटेट करेंगे तो देखिए कुछ ऐसा मिलेगा, एक आपको ज़रा समझें यहाँ एग्जांपल समझेंगे, न्यूमरस पॉसिबल अरेंजमेंट ऑफ एथेन आर पॉसिबल, टू एक्सट्रीम कन्फॉर्मेशंस आर नोन, दीज आर इक्लिप्स्ड कन्फॉर्मेशन एंड स्टैगर्ड कन्फॉर्मेशन। दो तो पहले समझ के चलिए, स्टैगर्ड, स्टैगर्ड क्या है और इक्लिप्स्ड क्या है, स्टैगर्ड जो होता है ना ये ज़्यादा स्टेबल होता है इक्लिप्स्ड से ठीक, सांतरित, एक सांतरित कहा जाता है और एक ग्रसित है, इसे हिंदी में ग्रसित कहते हैं, ग्रसित ग्रसित कहते हैं, तो ग्रसित वाला कम स्टेबल होता है, स्टैगर्ड मतलब सांतरित है, सांतरित सांतरित वाला ज़्यादा स्टेबल होता है ठीक। अब देखिए क्या होता है इसमें, स्टैगर्ड में जितना दूर हो सके उतने दूर दूर होते हैं और नज़दीक होते हैं, जैसे ये कार्बन है, ये कार्बन है, अब देखिए ये इधर की तरफ घूम कर एच यहाँ है, फिर ये उसी साइड ये एच यहाँ है, लेकिन यहाँ देखिए डिस्टेंस ये बाहर की तरफ निकला है, ये पीछे की तरफ है, और देखिए ये रोटेट कर दिया गया है, तो दूर जितना हो सके उतना किया जाता है इसमें, लेकिन इसमें देखिए नज़दीक आ गया, ये 3D में अरेंज होता है इसलिए इसमें कम समझ में आएगा, ये नज़दीक नज़दीक होते हैं, ये नज़दीक इसलिए ग्रसित हैं, ये दूर हैं, अब आप कहेंगे नहीं ये तो नज़दीक दिख रहा है इसमें, ये दूर है, ध्यान दें पीछे की तरफ है, ये आगे की तरफ है, ये पीछे की तरफ है और ये आगे की तरफ है, तो इनके इसलिए ये स्टैगर्ड लिखा रहेगा ना, स्टैगर्ड ज़्यादा स्टेबल होता है किससे, इक्लिप्स्ड से, तो इस बात को थोड़ा सा समझे रहे हैं। अब देखिए न्यूमान प्रोजेक्शन क्या है, न्यूमान में ध्यान दें, न्यूमान में आपको देखने को मिलेगा यहाँ देखिए, अब न्यूमान में जैसे दूर दूर रहेंगे, ये जो देख रहे हैं ये गोला, ये आपका, ये आपका इसमें कार्बन है, ध्यान दें जो येलो है वो भी कार्बन है और जहाँ एक दूसरे को ये कट कर रहा है ये भी कार्बन ही है, दोनों कार्बन है, मतलब आमने सामने ऐसे रख दिया गया है, अब 3D में आप समझ सकते हैं कार्बन, और यही उठा के आप सामने एकदम एक दूसरे को, जैसे एक कार्बन दूसरे कार्बन को छुपे सामने रख दें तो उस तरीके से दिखाया जा रहा है। अगर हाइड्रोजन देखिए जैसे आपने यहाँ जोड़ा, ये जितने दूर हो सकते हैं यहाँ हाइड्रोजन आपने जोड़ा, यहाँ हाइड्रोजन आपने जोड़ा, अब इनके बीच बीच में अगर आप जोड़े हैं तो देखिए बीच में गैप मिल रहा है आपको, बीच में गैप मिल रहा है ना, लेकिन यहाँ पर देखिए नज़दीक ही है तो अपोजिट, लेकिन नज़दीक आ रहे हैं हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ भी एच है हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये नज़दीक आ रहे हैं इसलिए इसे इक्लिप्स कहते हैं, सॉरी। देखिए इसमें ये आपका इक्लिप्स हो जाएगा, ये स्टैगर्ड, ये न्यूमान प्रोजेक्शन में भी स्टैगर्ड और इक्लिप्स को हम लोग दिखाते हैं।
तो ये बातें थोड़ा सा जानते रहिए। एक न्यूमान प्रोजेक्शन में भी इस तरीके से दिखाते हैं। इसक्यू एक होता है, इसक्यू इसक्यू एक होता है। इसक्यू में क्या होता है कि जैसे ये थोड़ा सा दूर, ना तो एकदम कम्प्लीटली आपको दिखेंगे मिडल में, ना तो एकदम मिडल में कम्प्लीटली दिखेगा, और जैसे एकदम मिडल में अगर है, ये इन दोनों के एकदम बीचों बीच है, तब उसे स्टैगर्ड कहेंगे। एकदम बीचों बीच अगर है और थोड़ा सा अगर इधर यहाँ जुड़ गया तब उसे इसक्यू कहेंगे, और एकदम नज़दीक अगर आ गया, एकदम नज़दीक जैसे इसमें दिखाया गया है, तब ये इक्लिप्स हो जाएगा। ठीक, तो इस बात को थोड़ा सा समझे रहिए। अब जैसे इसमें देखें ना, जो इक्लिप्स्ड और स्टैगर्ड होता है, ये इसक्यू में हमेशा चेंज होना चाहता है। इसक्यू में, इसक्यू जो है ये ज़्यादा स्टेबल फॉर्म होता है स्टैगर्ड और इक्लिप्स से। मतलब अगर आपसे पूछा जाए तो स्टैगर्ड जो है, अक्सर आपसे ये यही प्रश्न पूछा जाएगा, इक्लिप्स और स्टैगर्ड तो ज़्यादा स्टेबल ये है। ठीक, और ये दोनों चेंज होना चाहते हैं किसमें, इसक्यू में, इसक्यू में चेंज होना चाहते हैं। ठीक, ये बात जानते रहिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एल्कीन से पढ़ेंगे। ठीक, थैंक्स।